एक टॉपर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है टाइम मैनेजमेंट। अब ये टाइम मैनेजमेंट आज जो मैं बात करने वाला हूं, मैं उस टाइम मैनेजमेंट की बात करने वाला हूं जो आपकी आखिरी लड़ाई यानी कि बोर्ड एग्जाम में आप लोग किस तरीके से टाइम मैनेज कर पाओगे। ये बात मैं आज क्यों बता रहा हूं आप लोगों को, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये वो वक्त है जिस वक्त पे आप लोग अलग अलग तरीके के सैंपल पेपर्स कर रहे होंगे, अलग अलग सीबीएसई का होगा, अलग अलग बुक्स के आप लोग सैंपल पेपर कर रहे होंगे, लेकिन क्या आप लोग खुद को एनालाइज कर रहे हो कि आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट सही है या नहीं है। आज मैं एक ऐसा टाइम मैनेजमेंट बताने वाला हूं जिसमें कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस को सफिशियंट टाइम दे पाओगे और सफिशियंट टाइम के साथ साथ उनमें पूरे के पूरे मार्क्स भी लेकर के आ पाओगे, अपने जो सोल्यूशन करें उनका रिविजन भी कर पाओगे कि आप लोगों ने अपने आंसर सही निकाले हैं या नहीं निकाले हैं, आप लोग क्वेश्चंस को पढ़ भी पाओगे, ये सारी की सारी चीजें आप लोग कर पाओगे अगर आप लोगों ने ये वीडियो कंप्लीट देख ली तो। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि सबसे जरूरी चीजें क्या है। सबसे जरूरी चीज है जो सीबीएसई पेपर देती है, जब आप लोगों को जो पेपर दे देते हैं वो आप लोगों को, तो आपको रीडिंग टाइम देते हैं वो 15 मिनट का। उस 15 मिनट में आप पेपर को पढ़ सकते हो, उसमें देख सकते हो कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, किस किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, ताकि उस टाइम में आप लोग सबसे, क्योंकि सबसे पहला वो जो टाइम है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट का टाइम है बच्चों। ये वाला जो टाइम मिलता है ये फ्री वाला टाइम है आप लोगों के पास, ये उन 2 घंटों में नहीं होता है इंक्लूड। अच्छा, ये बात भी है कि सीबीएसई ने इस बार इस 15 मिनट के बारे में कुछ बोला नहीं है, लेकिन हम ये मान करके चल रहे हैं कि पहले से ही सीबीएसई आप लोगों को टाइम दे देगी 15 मिनट का, ताकि आप लोग बोर्ड का जो आपका एग्जाम है उसका जो सैंपल, उसका जो पेपर है वो आप पढ़ सके। अब बात करते हैं कि सैंपल क्या मैं सेट ए से, मतलब मैं हमारा जो सेट रहेगा उसमें मैं सबसे पहले सेक्शन ए से शुरू करूं, बी से शुरू करूं, मैं सी से शुरू करूं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर आप ए से शुरू करते हैं या बी से शुरू करते हैं, सी से शुरू करते हैं, तो आपको क्योंकि वेटेज के हिसाब से हम लोगों को मार्क्स बांटने होंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो सेक्शन ए है उसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, जो सेक्शन बी है उसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, जो सेक्शन सी है उसमें बच्चों 4 मार्क्स के क्वेश्चन, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो हम लोग हर एक सवाल को उसके, मतलब उसके वेटेज के हिसाब से हम लोग उसको प्रेफरेंस दें। जैसे कि अब मैं यहां पर आप लोगों को बता देता हूं बच्चों, सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोगों को करना क्या क्या होगा। जैसे कि सेक्शन ए है, बी है और सी है। ए में भाई आप लोगों के पास शॉर्ट आंसर्स है, तो शॉर्ट आंसर्स में 6 क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को, 6 क्वेश्चन करने होंगे और मैं उसमें आपको कहूंगा 2 से 3 मिनट का टाइम ले लीजिए अप्रोक्सीमेटली। अगर आप 2.5 मिनट मान के चलते हैं तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन को लिखने के लिए 2.5 मिनट इज मोर देन सफिशियंट, अगर आपको आता है तो, ठीक है ना। अच्छा, इसी के साथ अगर आप लोग टोटल मेजर करेंगे यहाँ पर तो लगभग 20 मिनट के आसपास आपके पास टाइम हो जाएगा, और 20 मिनट हुए हैं अभी सिर्फ पेपर को शुरू हुए और आप लोगों ने कर दिए हैं बच्चों पूरा का पूरा सेक्शन ए। बहुत बढ़िया यार। अगर अब मैं बात करता हूं आप लोगों से सेक्शन बी के बारे में, तो वहां पे भी छोटे ही आंसर रहेंगे, ज्यादा बड़े आंसर नहीं है, 4 क्वेश्चन है टोटल बस, और आप 8 से 10 मिनट दो। जैसे मान लो अगर यहां पर किसी क्वेश्चन में ज्यादा मिनट लग गए हैं तो यहां पर उसे कवर कर लोगे आप लोग, क्योंकि मैं 8 से 10 मिनट दे रहा हूं यहां पर, और 3 नंबर का ही क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन है, तो टोटल अप्रोक्सीमेटली कितना जा रहा है, यानी कि एवरेज तो यहां पर 10 मिनट से लगाई गई है, लेकिन आप अगर 8 से 10 मिनट देंगे तो ये टाइम यहां पर भी कवर किया जा सकता है। और अब जरा देखिए, अगर मैं 40 मिनट मैंने इस सेक्शन को दे दी जिसमें सिर्फ 4 क्वेश्चन है, तब 10 मिनट भी दे दोगे तो भी चलेगा भाई। और अब यहां पर कैलकुलेशन कराओ, 1 घंटा हो गया और 2 सेक्शन कंप्लीटेड है, और भाई तुम फुल चौड़ में हो क्योंकि तुम 14 में से 10 क्वेश्चन कर चुके हो। तुम इस पेपर का 75% के आसपास का हिस्सा कंप्लीट कर चुके हो। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब 70% से भी ज्यादा जब आपका पेपर हो चुका है यहां पर, अब क्या करना है आपको? अब आपके पास बच्चों 2 लॉन्ग आंसर होंगे और 2 केस स्टडीज क्वेश्चन होंगे, इन दोनों को भी उतना ही टाइम दो, 10-10 मिनट का टाइम दो, और ये जो केस स्टडीज है इनको थोड़ा सा और ज्यादा टाइम दे दिया, 15-15 मिनट का, 12 से 15 मिनट का टाइम दे दिया, इसको 25 मिनट दे दिए, इसको 20 मिनट दे दिए। अभी क्या लग रहा है आपको, टाइम खत्म हो गया? अभी भी आप लोगों के पास बच्चों 15 मिनट बचे हुए हैं, अभी पेपर का पता कितना टाइम बीता है, आप लोगों ने तीनों के तीनों सेक्शन कर लिए, आपने अभी 1 घंटा 45 मिनट आपके बीत चुके हैं। अब जो बचे हुए 15 मिनट है, उन बचे हुए 15 मिनट पे तुम लोग क्या करने वाले हो, उन बचे हुए 15 मिनट, ये रिवीजन टाइम है बच्चों, ये बचे हुए 15 मिनट जो है रिवीजन टाइम क्या है, टाइम क्या है। सबसे पहली चीज, मैंने क्वेश्चन नंबर सही डाला है नहीं डाला है, मैं यहां पर लिख देता हूं आप लोगों के लिए, ये सारी की सारी चीजें आप लोग कहीं पर लिख लो, आपने क्वेश्चन नंबर सही डाला है नहीं डाला है, ठीक है। आप लोगों ने जो आपके आंसर आए हैं, जो आपके भी जो भी आंसर आए हैं, आपने उन्हें बॉक्स में बंद किया है नहीं किया है, आपके जो आंसर लिखे गए हैं उनमें जो फॉर्मूलाज हैं उनमें फॉर्मूलाज आप लोगों ने इंक्लूड किए हैं नहीं किए हैं, आप लोगों ने जो इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं आप लोगों ने उनको अंडरलाइन किया है नहीं किया है,
आप लोगों ने कोई किसी भी यूनिट को लिखने में कोई गलती की है नहीं की है। ये 15 मिनट बहुत है बच्चों 14 क्वेश्चन में देखने के लिए, सफिशियंट टाइम है। और देखो 2 घंटे आराम से हो गए, तुम लोगों ने बिल्कुल एक टॉपर की तरह अपना टाइम व्यतीत किया। यहां पर आप लोग स्मार्टली खेलोगे तभी जाकर के यहां पर आप कह सकते हो कि आप एक स्मार्ट स्टूडेंट हो। और स्मार्ट स्टूडेंट क्या करता है, टाइम मैनेजमेंट। कोई भी किसी से बहुत अलग नहीं होता, टॉपर्स आपसे बहुत अलग नहीं है, उन लोगों ने बस टाइम मैनेज बहुत अच्छे से कर लिया। अब सबसे जरूरी चीज मैं आपको बता दूं जो आपको टॉपर बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है बच्चों आप सभी लोगों के लिए सैंपल पेपर। क्योंकि मैं सैंपल पेपर की ही आप लोगों से बात कर रहा हूं, हम लोगों ने 35 सैंपल पेपर ऑलरेडी आप लोगों हमारी ऐप में दे दिए हैं बच्चों, फ्री ऑफ कॉस्ट केल्विन लाइव ऐप में। आप लोगों को कंप्लीट PYQ मैथ्स का और साइंस का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, मार्क वाइज, एक एक टॉपिक को यहां पर कंप्लीट किया है विद वीडियो सॉल्यूशन। यार सोचो कितना काम का है तुम्हारे। अगर मैं बात करूं यहां पर ई बुक की, आप लोग बहुत बोल रहे थे सर मैथ्स की और साइंस की ई बुक दे दो, पूरी की पूरी मैथ और पूरी की पूरी साइंस के हम लोगों ने आपको ई बुक दे दी, सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारे के सारे फॉर्मूलाज, सारी की सारी चीजें एक साथ पकड़ो यार, लेकिन पढ़ो बस। ये भी फ्री, ये भी फ्री, ये भी फ्री। और देखो भाई चैप्टर वाइज टेस्ट भी वहां पर डाल दिए, वो भी फ्री है। और कहां पर है, केल्विन लाइव ऐप पर। तो केल्विन लाइव ऐप को डाउनलोड करो, स्टोर वाले बटन पर क्लिक करो, वहां से जाना PYQ पर, फिर वहां से जाना उसके कंटेंट में, वहां पर चारों की चारों चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। अब अगर आप सच में टॉपर बनना चाहते हो, इस वीडियो को दोबारा से एक बार देख लीजिए और अपने टाइम मैनेजमेंट को इसी तरीके से फिक्स कर लीजिए। मिलते हैं जिस दिन आप टॉप करेंगे उस दिन।